दिखावा कर रहा है कि वापस जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? अपने घर। क्यों? क्योंकि पानी कमी होगी। नेक्स्ट ब्लॉक में इस फोन का खुलासा होने वाला है। तो हमें माफ करना गाइस, बेचारी डिस्क्रिप्शन में ना आपके लिए सरप्राइज है, वो आपको पता ही है क्या सरप्राइज हो सकते हैं, जो कि आपने ब्लॉग में भी बोल रखे कल परसों वाले ब्लॉग में। हम आप हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हो, आप अपना UPI नंबर या UPI ID डिस्क्रिप्शन में डाल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और फटाफट से नाश्ता बना देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जाना हमने भी अपने काम पे और बच्चों को भी स्कूल जाना है। और मैंने इधर आटा भी लगा के रख दिया है, चाय बना दी है, और मैं जल्दी से ना बच्चों का नाश्ता बना दूँ। मुस्कान उठ के नहा ली है, पूजा कर रही है, और मुकुल का भी उठा रही हूँ। पहले इनका नाश्ता वास्ता बना कर दे देती हूँ, फिर मैं नहा कर ना पूजा करके फिर। और गोलू रहेगा घर पे, गोलू दिखाएगा दिन की सारी ब्लॉगिंग, जो भी कुछ होएगा, जो पीछे से कुछ करेगा वो सब आपको दिखाएगा गोलू। तो गाइस, सिर्फ आपसे उम्मीद है आप थोड़ी हिम्मत और हौसला देना और थोड़ी ऐसे हमें सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी हिम्मत के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, हिम्मत नहीं है फिर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ज़िंदगी में पहली बार ऐसी नौबत आई थी, जो मैंने ऑपरेशन करवाया, मेरे को मतलब आराम की ज़रूरत थी, हेल्प की ज़रूरत थी। उस टाइम देख लो कैसा समय का चक्कर चला और सब कुछ पलट गया। तो मैं यही कहती हूँ, समय बहुत बलवान हुआ है। इस समय पता नहीं कद बदल जाए, इस बात का किसी ने भी नहीं मेरा मान ले। अभी धूप निकल रही है, थोड़ी देर में बात हो जाए। तो यही कहते हैं, समय सबसे बड़ी चीज़ है। समय के मेरा किस टाइम किसका बदल जाएगा, तो किसी की गरीबी पे या किसी के दुख तकलीफ ने हमें बिल्कुल आसना नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, बस आप लोगों से सिर्फ यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, आप हमें सपोर्ट करना, जिससे मैं मेरे बच्चे कामयाब कर सकूँ और मेरे बच्चों का दो टाइम का खाना दे सकूँ। बस मैं आपसे यही कहती हूँ। तो गाइस, नाश्ता बन गया है और बच्चे भी नहा धो के रेडी हो गए हैं। मुकुल कर रहा है नाश्ता, आज मुकुल जाएगा स्कूल। दो दिन से तो मुकुल की तबीयत थी खराब, आज जाएगा है ना। अभी भी पेट में दर्द है। कोई नहीं, नाश्ता करके दवाई ले ले। ठीक। और मुस्कान क्या कर रही है? ठीक। तो गाइस, मैंने कपड़े कुछ तो धो लिए और कुछ अभी मेरे बाकी है, तो मैं बीच में सोचा दो मिनट इतना रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करते टाइम मैंने फोन उठा लिया, फ़ोन उठा कर देखने लगी मैं, भाई आज ब्लॉग कितना चला, कितना नहीं, क्या कमेंट है क्या है नहीं। तो मैंने फ़ोन उठाते ही पहला कमेंट देखा, तो दीदी आप स्क्रीन पे क्या लगाती हो, आपके चेहरे में पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो मैंने ये कमेंट पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़े थे, तो मैं आज ना आपको ना मेरे चेहरे के स्किन का इलाज बताती हूँ, मतलब क्या जादू होया है मेरे चेहरे पर। आपको पता, जैसे मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ है और ये छाइयों की प्रॉब्लम मेरे को कम से कम ना 10 साल से चल रही है। तो मैंने इनको हटाने के लिए ना बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारी दवाइयाँ यूज की थी। मैंने मार्केट से कोई ऐसी दवाई नहीं छोड़ी जिससे मैंने अपने चेहरे पर यूज ना किया, और उसका रिजल्ट सिर्फ यही था, इतना लगाती थी इतना ठीक हो, उसके बाद उससे ज़्यादा बढ़ जाती थी, ज़्यादा मतलब बेकार सा चेहरा लगने लग जाता था। मेरी सहेली ने मेरे को बताया कि क्योर स्किन पे जाकर डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर, तो मैंने क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड किया और वहाँ पे मेरी एक डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने मेरे से ना मेरे मतलब अपने शरीर से जुड़े हुए कई सवालों का आंसर पूछा, जैसे थकान की कमी और शरीर में जैसे विटामिन आयरन की कमी या और महीने से जुड़ी कोई कई कमियाँ पूछी। तो मैंने अपना सब हाँ या ना में उसका जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर ने मेरे से मेरे चेहरे की दो फोटो मांगी, एक तो साइड फ़ोटो एक फ्रंट फ़ोटो। मैंने दोनों फ़ोटो भेज दी, जो आपको ना साइड में दिख रही होगी स्किन हो रही है। तो उन्होंने मेरे से 2 मिनट का समय मांगा, 2 मिनट के समय के बाद उन्होंने मेरे पूरी किट तैयार कर दी मेरे चेहरे की। और आप भी जल्दी से जाके क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करें और आपको 2 दिन के अंदर ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना फ्री स्किन और शरीर के हिसाब से फ्री डाइट प्लान भी मिलेगा और डॉक्टर से फ्री बात भी होगी हर महीने। और जो नीचे स्क्रीन पर हमारा कोड चल रहा है, अगर मेरे कोड को यूज करोगे तो आपको ना 100 रुपये कम डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 100 रुपये कम मिलेंगे। और आप जल्दी जाकर क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट पिन है, आप जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड करें और अपने चेहरे की समस्याओं से छुटकारा पाए और अपनी त्वचा को ग्लोइंग और सुरक्षित बनाए। तो गाइस, यहाँ पे ये चिड़िया है ना, खाना खा रही थी, एकदम उठ के देख लो कैसे उठ रही। तो गाइस, अभी मैं भी उठ गया हूँ और काम भी कर लिया हमने सारा कम्प्लीट। मैंने झाड़ू लगा दी थी अंदर से और मम्मी ने यहाँ पे लगा दिया पोछा बाहर का भी और किचन भी धो दी। तो अब एक लास्ट काम रह गया, वो है सिर्फ नहाना। तो चलते हैं फटाफट नहाने के लिए। तो अब की बार मैं कटिंग नहीं करवाता, आज अब की बार मैं बाल बढ़ाऊंगा और 2-4 साल बाद मैं मेरे कान सीले तो हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, फिर इनको ठीक करवा कर आऊँगा, इनमें गांठ हो रही है छोटी छोटी। तो गाइस, सबसे पहले एक नुकसान और कर दिया मम्मी ने,
बाली गुम कर दी खुद की सोने की, अब पता नहीं कहाँ मिलेगी वो जाके। कहाँ से थी? कहाँ पे थी वो? मैं तो देखी ही हूँ बेटा। ये मम्मी मिल गया आपकी बाली? हाँ मिल गई है, बेकाम ना। क्या बेकाम है? क्यों? नया वाला चीज़ है। और? हाँ ले आना फिर। ला देंगे दो चार दिन बाद। दो चार दिन बाद कितना चलेगा? सब्सक्राइबर ने मैसेज कर रखा है क्या? आप ना अपना गूगल पे नंबर इसके अंदर डाल दो ना, या गूगल पे स्कैनर इसके अंदर डाल दो, जिसका मन करेगा वो पैसे कर देगा, लेकिन मैंने मना कर दी थी। नहीं बेटा ये बात तो बनते नहीं। गाइस हमारा एक कुरियर था, वो कुरियर आ चुका है नेपाल से आया स्पेशली, तो मैं आपको उस भैया से मिलवाऊंगा। और चलो चलते हैं अभी कुरियर लेने। गाइस अपना कुरियर आ गया, कुरियर हमने ले लिया, अभी चलते हैं इसको घर पर लेके और देखते हैं इसमें क्या कुछ चीज निकलेगी। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे है, सुबह के बाद जब कुरियर आया था उसके बाद हमने कुछ काम नहीं किया, ना रोटी रोटी खा ली थी, तो कुरियर आया था। गाइस याद लगा रखी हम मशीन को कि कल हो जाएगा वीरवार, और यहाँ पे साइकिल भी खड़ी है जो कि बहुत घटिया है, एक नंबर की दाप के घटिया साइकिल है। जब से आई है जब से नुकसान पे नुकसान हो रहा है, अब इसका दूसरा नुकसान हो गया कल ही पर, जिस दिन आया था उस दिन दोनों टायर नए डलवा के लेके आया था, पिछले टायर में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, अपने आप हवा निकले जा रही है, पता नहीं क्या चीज़ है साइकिल में। और यहाँ पे मशीन लगा रखी है। तो गाइस इस साइकिल को हम बेच रहे हैं, चाहिए 1000 रुपये की बिके, चाहिए 2000 रुपये की बिके, 3000 रुपये इसके लगे थे ठीक होने में पूरे, वो आपने व्लॉग में देखे ही थे। और अब चाहिए 1000 रुपये की बिके, चाहिए 2000 की बिके, इसको बेच के हम 2-4 महीने बिना साइकिल के रह लेंगे। फिर लोगों को अब की बार लेके आ जाएंगे ना, साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो नहीं लेके आ जाएंगे इसको बेच, इसको फाइनल कर दिया बेचना। ना ये कोई काम करती, इसका मैं बता देता हूँ, 550 का एक टायर है, 2 टायर हो गए, दोनों ट्यूब होगी और अगला गियर सेट हो गया, ये वाला गियर सेट आगे वाला, और इसमें क्या अच्छा सारे ब्रेक के तार चेंज हुई है, मतलब हर एक चीज़ चेंज हो रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। बेच रहा हूँ भाई मैं साइकिल को, ठीक है, फिर रोना धोना नहीं है, जैसे अब 2-4 दिन रोया था और साइकिल एक दिन भी नहीं चलाई, आज बर्फ भरी इसमें टायर, एक टायर में हवा, फिर देख लेंगे निकलेगी तो ठीक है, नहीं तो भगा दियो इसको। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे भाई साइकिल धो रहा है और यहाँ पे मम्मी धो रहे कपड़े, से थोड़े से कपड़े रह गए, और यहाँ पे ना मुकुल ना बैठा है, उसको काम कर ले भाई, कर लिया सारा कर लिया झूठा। तो गाइस अभी मम्मी कपड़े धुलवा देते हैं, फिर करते हैं पहले पूरे घर की सफाई करके, फिर कम बैक करूंगी मेरे स्कूल का होमवर्क। गाइस अभी मैंने ना कूलर को पूरा खोल दिया है, अभी इसको धोऊंगा साफ करूंगा, इसमें थोड़ी ठंडी हवा नहीं आ रही थी इसके पैनल में, जो कि ये है इसका गत्ता, जैसे पहले घास वाला था हमारे, तो अब ये वाला है, इसको साफ करेंगे थोड़ा बुरश मार के, ताकि हवा का पानी प्रेशर बना रहे इसके अंदर। और यहाँ पे सारी जाली निकाल दिया, ये भी सारा खोल दिया, इसको फटाफट धो देते हैं। तो गाइस अब हमारे ना सारे ना कपड़े धुल गया, यहाँ पे ना भाई ने ना कूलर की शुरुआत करते धोने की, साफ करने की, कूलर धोऊंगा तो गड़ जाएगा। हाँ साफ कर रहा है गीले कपड़े से, भी मुस्कान आई है तू, प्लस वन में होगी, नहीं तो ये नहीं पता क्या चीज धोती है, क्या चीज साफ करती है। कोई कोई कूलर भी धोता अंदर से, कोई नहीं धोता, कूलर धोना होता है जो नीचे से, मैं मोटर साफ कर रहा हूँ। तो गाइस अभी मैंने ना ये धोया और भाई ने ये दो धोए थे, और अभी भाई ने ना खाट धो दिया, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे भाई धो रहा है खाट, धोदी हाँ, यहाँ पे लस्सी का दाग था इतना बड़ा, अबे एक डंडा लिया हाँ, झड़का देंगे पीटते हैं हाँ, मतलब पानी चढ़ जाएगा, फिर थोड़ी देर हवा लग जाएगी, रात को सोने का जुगाड़ बन जाएगा ठीक। तो गाइस मैंने ये दो के ना इसमें ये भी डाल दिया, और एक तो मैंने धोया है, तो गाइस मैंने एक वो धोया और सारे में डाल है, और मम्मी ने सारे कपड़े धोए, भाई ने छानने धोया, दीदी ने सुखाए, और कुछ काम नहीं है, और ऐसी खड़ी है भाई पानी भरती हूं, फिर रख के छोड़ क्या, धोए ना धोए बराबर कपड़े, पानी बहुत खराब है। गाइस भाई ने कहा था ना कि ना मैंने कूलर साफ कर दिया, इसने सिर्फ भाई बाहर से ना दिखावा करा है कि ना मैंने कूलर साफ कर, अंदर का जो खराब पानी था ना वो तो इसने निकाला ही नहीं है। और यहाँ पर मम्मी ने सारे कपड़े धो दिए, यहाँ पे सारे भी सुखा दिए, जो बल्कि कपड़े का गंदा पानी था वो हमने खिंडाया नहीं। वापस जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? अपने घर। क्यों? क्योंकि पानी कमी होगी, पानी कौन देंगे, एक घंटा भी मोटर चला। सही कह रहा भाई, अब उसका टंकी खाली होगी, फिर कौन से लेगा, अब 2 दिन में पानी आ जाते हैं। कितनी देर हो गई है पानी आए, मेरे कपड़े खराब मत करो, मेरे कपड़े खराब मत करो, नीचे गिर के धोने, पानी खिंडाया कौन सा है, जो मैला था वही खिंडाया है, तो
वो तो खिंडाएगा, मैंने पीछे दे दिया। बाकी ड्रम भर दिया, टंकी भर दी पूरी, एक ड्रम वो भर दिया, एक कूलर भर देंगे। तो गाइस अभी ना ये जो दो टब थे ना, एक ये रहा मुकुल के पास, हमने दोनों भर के रख दिया क्योंकि रात को बर्तन धोने ना, उसके लिए ना पानी चाहिए होगा। ये हम ड्रम खाली नहीं करेंगे अभी। अभी हमने यहाँ अपना सारा काम कर दिया घर का, और यहाँ ना भाई भी नहा के रेडी हो गया है। यस, और मुकुल लेने गया दूध। अभी ना हमने डिसाइड कर रहे क्या खाना है क्या नहीं खाना। क्या खाएगा भाई? भाई जो मना मम्मी का पूरा 3,500 से लेके 5,500 तक का नुकसान होके बैठ गया, क्योंकि कान की बाली थी वो क्या पता यहाँ आज गिरी है कल गिरी है, कल हम यहाँ से गिरी हुई थी। जैसे कि जो कि सुरजीत चाचू जी के वाइफ के यानी कि चाची के पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए थे, इसलिए मैंने आपको कल नहीं बताया था, तो आज बता रहा हूँ। क्या पता वहाँ गिरी है, मम्मी आती आती बस में गिरी है, क्या पता घर पे आके गिरी है, कोई पता नहीं। हमने सारी जगह ढूंढ ली लेकिन किधर नहीं मिली, हमने एक एक चीज कोना कोना छान मारते झाड़ू लगाते लेकिन मिली नहीं। और मम्मी फिर टेंशन में हो रही है, मेरी बाली गुम हो गई। कोई बात नहीं, बाली तो नहीं आ जाएगी, या तो मम्मी झाड़ू मारी होगी सुबह, बात नहीं थी कान में, कल थी। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे, यहाँ पे ना मुकुल ना यहाँ पे खड़ा था और यहाँ पे सारे कपड़े नीचे गिर दिए, छोड़ भी दूँ। तो गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे हमने खाना खा लिया, यहाँ पे सिर्फ मेरे चावल बच गए, मैंने आधे खाए, सिर्फ मम्मी और भाई ने भी खा लिया। जिंदगी में जितने चावल डलवाए आधे खाए आधे पकाए हैं, सही बात है। अगर ये कमेंट मत करना तो अभी का सीन, अभी मुस्कान के मुँह से जचता ही है अभी का सीन कुछ ऐसे। दो चार डांट लगाते हैं, दो चार सुनाते हैं, जब कोई एकाधी तकलीफ बनाती है अपने मन से तो ये कभी भी नहीं बनाती। अरे आप उसी में इसको टोक देते हैं, अगले दिन फिर नहीं बनाती। मेरे को पसंद नहीं करे। तो गाइस आप इसको पसंद करो, आप इसको हिम्मत दो, हौसला दो, और इसको ये बताओ कैसे ब्लॉग बनाना चाहिए, मुस्कान को कैसे नहीं। डिस्क्रिप्शन में ना आपके लिए सरप्राइज है, उसे जल्दी जाके चेक कर लेना, वो आपको पता ही है क्या सरप्राइज हो सकते हैं, जो कि आपने ब्लॉग में भी बोल रखे कल परसों वाले ब्लॉग में। आपके लिए एक रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं हम, आप हमारे लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो बहुत सारे बंदों ने कमेंट कर रखा है, आप अपना UPI नंबर या UPI ID डिस्क्रिप्शन में डाल दो। तो मैं UPI नंबर डाल रहा हूँ कल डिस्क्रिप्शन में, उसे जल्दी जाके चेक कर लेना। 15 ऐसे ही लगे तो इसको तो गाइस फिटने से ना कई दिन हो गए ना फिटे, प्रसाद का खाए कई दिन हो गए, फिटने का मन करता रहा तो ये ना मुझसे ना कुछ भी। तो गाइस आप ना वो करना, प्रे करना, मेरा रिजल्ट आने वाले है HBSC का, तो अनाउंस मेरा आने वाला है इसका, CBSE का, मेरा HBSE का, प्रे करना कि मैं पास हो जाऊं अच्छे नंबरों से। आप मेरे लिए प्रे करना, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, हमारा रिजल्ट आ चुका, इसकी कोई बात ना सुनो। इसके कितने आए थे? 70 72 तो नंबर कम कर रही मम्मी मेरे। मैं अगर मेरे नाम मुकुल से 10% फालतू आ गए ना, आपको ना मेरी तरफ से रसमलाई का डब्बा, पक्की बात है। चाहे मेरे को ना दो बंदों के पास पूछ जाता, मैं अपने में करूंगा जरूर रसमलाई का डब्बा। और किसी को और आप अपने घर में ना बंदे बता देना कितने हैं, मैं उतने ही भेजूंगा, उतने पीस भेजूंगा। हाँ, जैसे हमारे घर में 4 बंदे हैं तो 4 पीस भेजूंगा, आपके घर में 8 है तो 8 पीस भेजूंगा, ठीक है भाई। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक भी कर लेना। और आज वाले में हमने ब्लॉग में वो इतनी बड़ी लिस्ट बना कर डाल रखी थी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर फॉलो कर लो। तो गाइस सभी सो गया, रात का टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको, 12:37 आप टाइम चेक कर लो। और अब फिलहाल मैंने एडिटिंग कंप्लीट की है, तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको फटाफट से मिलते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में इस फोन का खुलासा होने वाला है, जो कि आपको ब्लॉग मिलेगा परसों, तो जल्दी जाकर उसको चेक कर लेना और डिस्क्रिप्शन को भी एक बार चेक कर लेना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।